बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको पुदीने की चटनी बनाना सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स पहले ही निकाल कर रख लिए थे, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिए है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, 2 bunches ऑफ पुदीना, 1/2 bunch ऑफ धनिया, 1 tablespoon ज़ीरा, 1/2 tablespoon टाटरी एंड 1 tablespoon ड्राई कोरिएंडर सीड्स एंड 2 tablespoon योगर्ट। नेक्स्ट, 10 to 15 pieces ऑफ ग्रीन चिलीज एंड 3 to 4 pieces ऑफ गार्लिक एंड नेक्स्ट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करने है? नेक्स्ट हमारे पास है विनेगर। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने 1 by 1 ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन चिलीज एंड देन गार्लिक एंड देन पुदीना। पुदीना जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ग्राइंडर को जो है वो चलने में आसानी हो। अगर हम ज़्यादा एक ही वक्त में पूरा पुदीना डाल देंगे तो ग्राइंडर जो है वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके पुदीना ग्राइंडर में डालेंगे। नेक्स्ट हम ये देखें हमने डाल दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम जो है वो डालेंगे योगर्ट जो कि हमने 2 tablespoon लिया था। एंड कोरिएंडर सीड्स, टाटरी, ज़ीरा और थोड़ा सा विनेगर। ठीक है, जिस हिसाब से आपने पुदीना लिया उसी हिसाब से हम लोग जो हैं वो विनेगर अंदर डाल देंगे और ग्राइंडर को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इनको जो है इसके अंदर अब हमने मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी तो अब हमने डाला है सॉल्ट। नाउ ग्राइंड करेंगे अब हम इन्हें। अब ये जो है वो ग्राइंड हो रहा है, यू कैन सी ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो है ये ग्राइंड हो चुका है। ग्राइंडर ये जो पुदीना है ना, पुदीना जो है वो आप अपने घरों में खाने के साथ जो है वो आराम से खा सकते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हम पुदीने की चटनी जो है वो साथ में लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया और बहुत मज़ेदार ये चटनी बनी होगी, आई एम डैम श्योर। ठीक है, इसको हम जो है वो एक प्यारे से जार में डाल लेंगे किसी भी, और ये पुदीने जब भी आप मतलब कि पुदीने की जो चटनी होती है ना ये हमारे लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग फ्रिज के ऊपर वाले खाने में नहीं रखेंगे, इसको हम फ्रिज के नीचे वाले खाने में ही रखेंगे। ठीक है, ताकि हमने जब भी खाना खाना हो तो हम इसको जो है वो साथ में खा सकें और खाने का लुत्फ जो है वो इससे दुबाला हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मैं जार में डाल चुकी हूँ चटनी, मैं टेस्ट करूँगी। लिटरली बहुत मज़े का टेस्ट आया है इसका, बहुत टेस्टी। आप भी अपने अपने घरों में ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये हमारी चटनी जो है वो पुदीने की तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने जो है वो और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ वीडियोस लेकर आएँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ बेल आइकॉन। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।